आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब हम भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम ताली क्यों बजाते हैं, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। ये आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। उसे ही देखते हुए लोग आज ताली बजाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि जब भी हम भगवान की पूजा या फिर आरती करते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं। चलन सदियों से चली आ रही है। भगवान की स्तुति, भक्ति, आरती आदि धर्म कर्म के समय ताली बजाई जाती है। भगवान की पूजा करते समय ताली बजाने का अपना बहुत बड़ा महत्व है। धर्म में इस बात की बड़ी महत्ता है। पूजा करते समय मानव जीवन सवालों से भरा है। हर चीज में एक सवाल है, जिनमें से कई चीजों से जुड़े सवाल अब तक रहस्य बने हुए हैं। ऐसे ही अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो यहां पर जब हम किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो तालियां बजाते हुए उनकी अर्चना करते हैं, और यह आज से नहीं बल्कि काफी समय से चला आ रहा है। काफी पुराने समय से ताली बजाने का प्रचलन है। ताली बजाना एक व्यायाम ही है। ताली बजाने से हमारे पूरे शरीर में एक खिंचाव होता है, पूरे शरीर में एक खिंचाव होता है और हमारे शरीर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। जोर जोर से ताली बजाने की वजह से कुछ ही देर में हमारे शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है और पूरे शरीर में एक अलग तरह की उत्तेजना पैदा हो जाती है। हमारे हथेलियों में शरीर के अन्य अंगों की नसों के बिंदु होते हैं, हर जगह यहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं। जितने भी नस हैं उन सब के पॉइंट्स हैं। आज जो एक्यूप्रेशर जो लोग करते हैं या एक्यूपंक्चर करते हैं, वो हमारे नसें ही हैं जहां पे वो प्रेशर डालते हैं और जो इफेक्ट होता है हमारे पूरे शरीर पे और हमारे दिमाग पे होता है। और ये जो बिंदु है इन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है। ताली बजाने से इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है और इनसे संबंधित अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे वे बेहतर काम करने लगते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में ताली बजाना बहुत अधिक लाभदायक माना गया है। इन्हीं कारणों से ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमारा जो पूरा सनातन धर्म है, पूरा सनातन धर्म ही हमारा विज्ञान है। हिंदू धर्म में आरती के दौरान ताली बजाना करतल ध्वनि एक स्वाभाविक क्रिया मानी जाती है। मंदिर हो या कोई अन्य पूजा स्थल हो, जहां भी आरती संपन्न हो रही होती है वहां पर श्रद्धालु आदतन ताली अवश्य बजाते हैं। यह वैज्ञानिक कारण होता है। अब धार्मिक कारण सुनो। एक तो हम भगवान का गुणगान करते हैं, यह हमारा आध्यात्मिक कारण है, धार्मिक कारण है। हम भगवान को खुश कर रहे होते हैं, ताली बजा बजा कर खुश कर रहे होते हैं। हम जब खुश होते हैं तो सीधी बात ताली बजाते हैं। जब आप देखते हैं जब क्रिकेट में कोई हमारे देश का बंदा छक्का मारता है या जब हम जीतते हैं तो हम ताली बजाते हैं तो खुश होते हैं। तो भगवान हमारे सामने साक्षात खड़े हैं तो हम ताली बजाते हैं, हम खुश होते हैं। तो करतल ध्वनि, करतल ध्वनि क्या, पहले झाल बजाते थे, मंदिरा बजाते थे, तो कुछ तो बजना चाहिए। वो जो ध्वनि है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे उस पूरे क्षेत्र में पैदा करता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। आप देखते होंगे कहीं कहीं लोग जब भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो ताली बजाते हैं। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि शिव के मंदिर में जाकर ताली बजाना वर्जित है। तो एनीवेज हम ताली की बात कर रहे हैं। तो जब हम ताली बजाते हैं तो हम किसी को जगा रहे होते हैं, अपने इष्ट देव को जगा रहे होते हैं। तो वो जो ध्वनि है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ फैलाती है और वो सकारात्मक ऊर्जा आप में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। इसलिए जब भी पूजा आरती की जाती है तो ताली बजाई जाती है। तो ये मैंने आपको धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।